आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। तो हम बात कर रहे हैं पहले डेट की कैलकुलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेल में हम डेट को टाइप कैसे करेंगे। अगर एक्सेल सीट के ऊपर किसी डेट को टाइप करना है तो हम डेट के ऊपर को टाइप कैसे करेंगे। तो डेट को टाइप करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा अपना सिस्टम डेट कि आपका सिस्टम डेट क्या है। अगर आपका सिस्टम डेट अगर MMDDYY है, मतलब कि पहले महीना देन डेट देन मंथ, तो आप वो इसी हिसाब से टाइप करें। जैसे आज की डेट देख लें, अगर आपका MMDDYY है तो महीना फिर डेट। सिस्टम करेंट ईयर का है तो करेंट ईयर का डेट डालने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के डेट डालने पड़ेंगे। दूसरा, और जैसे मेरा सिस्टम देखिए क्या है, DDMYY है, मतलब कि पहले डेट देन मंथ। तो यहां हम कर देते हैं 14/12। अब ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपके सिस्टम पे डेट डेट नहीं रहे, टेक्स्ट बन जाएगा, क्योंकि 14 का कोई महीना होता नहीं। मतलब कि मेरा जो डेट है वो आपके यहाँ मंथ बन जाएगा और मंथ जो है वो डेट बन जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में अगर किसी को डेट भेजना है और आपको लग कंफ्यूजन है कि इसके अंदर का क्या है, तो उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे डेट फॉर्म। डेट में आप यहाँ पे 2021 डाल दिया, यहाँ पे मंथ डाल दीजिए और यहाँ पे डे डाल दीजिए, जो आपका डे है। अब ये जो डेट है किसी भी सिस्टम के फॉर्मेट में जाएगा तो सेम फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले से। अगर यही सिर्फ अगर कभी इसी ऐसे अगर करना हो तो कैसे करें, तो हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है, ईयर को ईयर से अलग कर सकते हैं, मंथ का फॉर्मूला है इसमें से मंथ स्ट्रैक कर सकते हैं, और एक डे का फॉर्मूला है इसमें से हम डे को स्ट्रैक कर सकते हैं। तो ईयर मंथ और डे तीनों अलग अलग इस तरह से स्ट्रैक कर सकते हैं और वापस डेट फॉर्मूले से कंबाइन कर सकते हैं। अब इसका यूज हम कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। जैसे करेंट सिस्टम डेट के लिए हम यहाँ टुडे का इस्तेमाल करते हैं। टुडे क्या करता है, जो सिस्टम का डेट है उस डेट में आपको शो कर देगा। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए डेट चाहिए, मैं डेट में कैलकुलेशन करना है, मुझे मान लीजिए इसमें आप 45 डेज ऐड करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, स्टार्ट डेट प्लस नंबर ऑफ डेज डाल दीजिए, ये आपको ऐड करके डेट बता देगा कि आफ्टर 45 डेज क्या डेट है। लेकिन इसी में मान लीजिए मुझे 3 महीना जोड़ने, मंथ जोड़ना है, 3 मंथ। तो 3 मंथ के लिए आप यहां पे क्या करें, 3 मंथ के लिए आप यहां पे ई डेट का फॉर्मूला यूज करें। ऐसा नहीं कि आप 3 मल्टीप्लाई बाय 90 कर देंगे, वो गलत होगा। तो हमने डेट लिया और इस 3 को सेलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब एंटर रिजल्ट आपको इस तरह का नंबर दे रहा है, तो इसको आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर लें, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और हैश की। कंट्रोल शिफ्ट हैश की करेंगे तो ये आपका डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी में माइनस करना है तो -3 कर दे तो ये आ जाएगा, +3 करे तो ये आएगा, -3 करे तो ये आएगा। लेकिन मुझे डेट में 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करने हैं। मुझे किसी डेट में 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करने हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, डेट का। डेट में मैं ईयर का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं यहाँ नीचे लगा रहा हूं, डेट में ईयर का फॉर्मूला लगाऊंगा। ईयर का फॉर्मूला इस डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर इसमें प्लस हम 2 कर देंगे, फिर इसमें से हम मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से हम मंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड प्लस 4 कर देंगे, फिर इसमें से हम डे का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से डे अलग करेंगे और इसमें जो है हम 22 दिन ऐड कर देंगे। फिर एंटर प्रेस कीजिए, ये आपका डेट बन जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ डेट जोड़ना है
तो आप बस प्लस कर दें। आपको मंथ जोड़ना है तो आप ई डेट का फॉर्मर लगाएं। अगर आपको मंथ या डेट तीनों जोड़ने हैं तो यहां पे आप क्या करें, इस मेथड का ईयर मंथ का इसमें ऐड करके इस मेथड को यूज करें। तो मिलिंद जी, अंकित जी या गरिमा जी, कोई डाउट इसमें? नहीं, बस ई डेट का यूजेज सिर्फ मंथ कैलकुलेट करने के लिए होता है ना। जी हाँ, मंथ को प्लस या माइनस करने में, जैसे कि आपको ईएमआई डेट निकालनी है ना, जैसे मान लीजिए ना कि आपका हर महीने का 5 तारीख का ईएमआई लगता है, तो आप चाहते हैं कि हर महीने की 5 तारीख आए, तब एक बार 5 तारीख यहाँ पे लिख दें और फिर उसके बाद ई डेट लगा के ऊपर वाले डेट को सिलेक्ट करके कॉमा 1 कर दें। अब इस नीचे जब इसको ड्रैग करेंगे तो आपका देखेंगे कि मंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, हाँ जी। कोई डाउट इसमें? नहीं, नहीं सर, थोड़ा मेरा इंटरनेट जो हुआ था स्लो, ये लास्ट स्टेप खाली बताएंगे क्या, ये अभी जो बता रहे हैं ना हमने मंथ किया, वाला? हमने जस्ट हमने ई डेट का फॉर्मूला लगाया, एक महीना का गैप दे दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके ओके ठीक है। सर जो ये 1 लिखा है हमने, तो 1 मतलब 1 महीने का गैप हो गया हो। जी, ये मैं आपका मंथली है ना, एक ही में गैप होगा ना। अच्छा, मतलब सर जैसे 2 लिखेंगे तो फिर 2 के गैप में आ जाएगा 3 के, जैसे होता है ना कि कई बार वैसे हो। जितना नंबर ऑफ मंथ डालेंगे उतना गैप आएगा। अच्छा सर, ठीक है, ठीक सर, ठीक। आगे बढ़े। हम डेट में एक सर एक चीज चीज पूछनी थी सर, बोलिए। एक छोटा सा वो था इसमें, जैसे हम डेज वाला होता है, जैसे हमने 45 ऐड करे तो वो हमें नेक्स्ट वो वाली डेट दे देगा जो हम 45 डेज वाली होगी। सेम चीज हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो हर बार हमें 45 का ही डेज का आगे का ऐसे ही बताएगा, ना, जैसे हमने जो वहां पे ड्रैग आपका एंड जो आप ड्रॉप लिखोगे वो आएगा ना, जो डेट जो प्लस होगा वो आएगा। ड्रैग करने से उस क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने बोला कि मुझे 20 दिन ऐड करना है, तो आपने इसमें अगर +20 कर दिया, राइट, तो आगे 21 किया। आ गया। लेकिन जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो थोड़े होगा कि आपको 22 तारीख दे देगा। तो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पे, 21 + 0। अब यहां अगर 20 लिखा हुआ है तो 21 के बाद 20 का देगा। तो ड्रैग से तो फर्क नहीं पड़ता, जो आप फॉर्मूला क्या लगा है उससे फर्क पड़ता है ना सर। वही सर, मुझे एक्चुअली डाउट था, मैं कहा कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें 45 डेज वाले के बाद जैसे कोई पेमेंट वाली होती है, साइकिल होती है, तो उस केस में सोच रहा था अगर ये निकल सकता है तो। हेलो सर, डाउट था, जैसे आपने बताया कि सिस्टम डेट तो हम डेट के फंक्शन से भी देख सकते हैं कि क्या है, या फिर लोअर राइट कॉर्नर में भी सिस्टम डेट क्या है दिखता है, बट समझो कोई ईमेल के ऊपर से एक्सेल शीट आया और वो उस डेटा के अंदर उनका डेट फॉर्मेट अलग हुआ अपने फॉर्मेट, तो फिर वो आपको सिस्टम। कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको डेट भेजा, मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, राइट, किसी ने आपको आज का डेट मैंने भेज दिया इस तरह से, राइट, करेक्ट। हमने क्या, हमने क्या लिखा, 14 यहाँ पे दशमलव, नहीं 14 12, ठीक है, 12/14/2021, ठीक है सर। हाँ और सिस्टम में डेट नहीं, क्योंकि यहाँ 14 का महीना नहीं है इसलिए डेट नहीं है। अगर आप इसमें कोई कैलकुलेशन करें तो देखिए +0 कर दिया ना, या एरर आया क्या सर, एरर नहीं, आया बट ना। नहीं, बट अगर वो 14 से छोटा है तो, अगर 14 की जगह पे 7 है तो नहीं, मतलब मेरा सवाल ये हाँ, तो था कि कोई अगर भी, मैं कोई, बताया आपको कि अगर होगा तो फिर डेट गलत दिखाएगा ना सर। अगर मान लीजिए कि 6 दिसंबर होगा तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, आपका आपका 6 दिसंबर, मेरे यहाँ ये दिखाएगा आपको 6 जून दिखाएगा, 12 जून दिखाएगा, सॉरी स्वैप हो जाएगा ना। तो उसके लिए आपको जाना होगा डेटा मेनू बार के अंदर, यहाँ टेक्स्ट टू कॉलन, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां कर दीजिए MDY, ठीक है।
नेक्स्ट एंड सॉरी फिनिश हो गया सर 14 दिसंबर साल। अब बोलेंगे इसमें आपका गलत डेट होता तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका आ गया 7 जुलाई है लेकिन 1 जुलाई है लेकिन 7 जून दिख रहा है, ये आपका 8 अगस्त है लेकिन 8 जून दिख रहा है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट टू कॉलन नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे कर दिया MDY एंड फिनिश हो गया सर 14 दिसंबर 1 जुलाई 6 अगस्त। नहीं सर मेरा 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 डाउट कुछ अलग था, मेरा डाउट ये था कि सिस्टम डेट कौन से फॉर्मेट में वो तो अपने को दिखता है, जैसे कि अगर आप अभी देखोगे मैंने बताया ना सिस्टम डेट के लिए आपको यहां डेट देखी ना, आप देखा ही नहीं इसको यहां वो DDMMYY है बराबर। हां अभी यहां क्या दिख रहा है 14 यहां दिख रहा है 14/12/2021 अपना सिस्टम डेट देखिए क्या दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में क्या है 12 है ना। तो 12 के बाद 14 होगा। नहीं नहीं मेरा सवाल ये था कोई अगर डेटा एक्सेल से आता है तो उसमें अगर समझो लेट से सुनिए आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि सामने वाले का सिस्टम डेट क्या है। एग्जैक्टली exactly, हाँ तो फिर वो उसने अंदाजा नहीं लगा सकते ना, आप कैसे लगा सकते उसका सिस्टम डेट क्या है, वो तो डेट डाला आपके सिस्टम में हो गया तो वो आपको बस चेकआउट कर लेना है कि डेट सही है ना सही है। तो 12 तारीख के बाद का कोई डेट देख लीजिए, देखिए 12 तक के डेट में कंफ्यूज होगा क्या डेट डाला हुआ है, 12 के बाद 13-14 का जो डेट होगा वो तो टेक्स्ट में होगा, अगर 13-14 का डेट अगर टेक्स्ट में है तो समझ जाइए कि आपके सिस्टम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अपना आपका जो सिस्टम फॉर्मेट है उसका अपोजिट फॉर्मेट कर दीजिए, जैसे मेरा DDMMY है तो हमने MMDDY कर दिया। तो फिर वो इंक्रीमेंट कैसे करें, मतलब अगर 7620000 आप जो टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे ना नेक्स्ट नेक्स्ट तो आप अपना सिस्टम डेट देखेंगे, मेरा सिस्टम क्या है DDMM MMYY है इसका अपोजिट मैंने कर दिया MMDDY, ठीक है हाँ। और आपका DDMMY है MMDDY है तो DDMMY कर अपोजिट करेंगे ठीक है। पहले दो चीज समझिए, पहले चीज कि उसका उसका डेट फॉर्मेट आपका डेट फॉर्मेट एक है या है नहीं, ये चीज को देखने के लिए 12 तारीख के बाद की कोई भी डेट देख लीजिए, अगर वो डेट डेट फॉर्मेट में है उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है इसका मतलब है कि आप दोनों का डेट फॉर्मेट सेम है राइट। 12 तारीख के बाद की कोई डेट अगर टेक्स्ट में है इसका मतलब है कि आपकी फॉर्मेट उसकी फॉर्मेट अलग है, तो आपको कुछ नहीं करना है अपने डेट फॉर्मेट को अपोजिट में टेक्स्ट टू कॉलम कर देना है ठीक है। क्लियर है सर? हाँ सर। पर सी बात है दो कंसेप्ट अपनाना है आपको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो कंसेप्ट अपनाना है, पहले चेक करना है कि 12 तारीख के बाद का डेट डेट है या नहीं, अगर डेट है तो ठीक है, चेक करने का सबसे आसान उपाय है कि इसके ऊपर कोई एक फॉर्मेट अप्लाई करो, कोई भी परसेंटेज अप्लाई कर दो, अगर इसमें हो गया इसका मतलब है कि वो डेट था, कंट्रोल जेड कर लीजिए ठीक है चल रहा अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर वो नहीं कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब वो डेट नहीं रहा वो टेक्स्ट हो गया, देन आपके पास क्या करना है अपना डेट फॉर्मेट देखना है कि आपका डेट फॉर्मेट क्या है, और फिर टेक्स्ट टू कॉलन में जो आपका डेट फॉर्मेट है उसी का अपोजिट सिलेक्ट करना है यहाँ पे डेट और फिनिश कर देना है कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब दो चीजें चेक करनी है, पहले तो ये कि टेक्स्ट में है या उसमें है मतलब नंबर फॉर्मेट में मतलब डेट फॉर्मेट में, सेकंडली ये कि उसको जाके मतलब अगर आपके अपोजिट में MYD में है तो उसको डिवाइड उसमें कर दो। जी जी ठीक है ठीक है सर आगे बढ़े। हाँ अब बात करते हैं कैलकुलेशन पे, जैसे कि अगर 1 तारीख और आज की डेट में मुझे डिफरेंस निकालना है कि कितना डिफरेंस है तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, या फिर आप डेज का फॉर्मूला लगा लें, किसका फॉर्मूला डेज स्टार्ट डेट कॉमा डेज, एंटर प्रेस कीजिए आ गया माइनस माया क्योंकि हमने स्टार्ट डेट पहले लिख दिया, डेट्स के अंदर में एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट होता है तो प्लस में है
इन दोनों के बीच में आपको ये निकालना है कि कितने वर्किंग डेज है, नेटवर्क डेज फॉर्मूला, मतलब सैटरडे एंड संडे के अलावा कितने नंबर डेज है, या कोई हॉलीडे जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी का एक लिस्ट है, उनको छोड़ के कितने ऐसे डेट है, मतलब नेटवर्किंग डे, छुट्टियां हटा के, तो आपको नेटवर्क डेज से पता चल जाता है। पर सैटरडे एंड संडे आपका डेट नहीं, छुट्टी नहीं है, कोई और छुट्टी है, तो नेटवर्क डेज डॉट INTA स्टार्ट डेट एंड डेट, और अपना वीकेंड सिलेक्ट करें कि मेरा सिर्फ संडे छुट्टी होता है या सैटरडे संडे छुट्टी होता है, और फिर फोली ले लें कि सैटरडे संडे के अलावा या संडे के अलावा कौन ऐसा डेट है छुट्टी है, ये आपके सामने आएगा। तो हमने यहाँ पे सैटरडे एंड संडे दोनों सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखा होगा इसमें हम जाके सिलेक्ट करेंगे ओनली संडे के लिए एलिजिबल, तो ये आपका नेटवर्क डेज डॉट INTA। दूसरा मान लीजिए कि मुझे डेट निकालना है कि मुझे आज मैंने एक फॉर्म भरा, मुझे बैंक ने बोला कि 15 डेज बाद आपका काम हो जाएगा, तो आफ्टर 15 डेज कौन सा डेट पड़ेगा, सैटरडे संडे बंद है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डे का, वर्क डे स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज, और फिर अपना होली डे सिलेक्ट कर लीजिए जिस दिन आपकी छुट्टी है, रिजल्ट आपके सामने 21 दिन बाद। लेकिन वही है कि सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है, सिर्फ संडे छुट्टी है, तो उसके लिए वर्क डेट डॉट INTA स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज और अपना वीकेंड्स की वीकेंड्स क्या है, उसके बाद कोई इस संडे के अलावा कोई छुट्टी है उसका एक लिस्ट है, वो लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जरूरी नहीं है, अगर है तो सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, ये आपका डेट आ जाएगा। तो वर्क डे एंड वर्क डे डॉट INTA और ये नेटवर्क डे, समझ में आ गया आपको तो चारों फॉर्मूला, समझे सर आपको, नीलम जी समझ में आया? हाँ सर, तो डाउट तो नहीं इसमें? नहीं नहीं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा डेट की कैलकुलेशन, तो डेट की कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लीजिए, कल हम टाइम की कैलकुलेशन कवर करेंगे। सर एक छोटा सा बस वैसा डाउट था, बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे मेरी यूएस शिफ्ट वाला होता है तो मेरे जो लैपटॉप में जो डेट होगी वही एक्सेल में